तेरे वहां प्रश्न आई मान लेते हैं पहले, और शुरू में ई की पावर एक्स को टी मान के इसको प्रतिस्थापन कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो माना आई बराबर ई की पावर एक्स वन प्लस ई की पावर एक्स और टू प्लस ई की पावर एक्स, आगे डी एक्स, माना e की पावर x बराबर t, डिफ्रेंशिएट किया e की पावर x dx बराबर dt, i बराबर, देखिए यहाँ तो dt आ जाएगा, अगर dt यहाँ रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो हम इसे ऐसे ही लिखें 1 बटे 1 प्लस t और 2 प्लस टू, डी टी। अब देखिए साफ दिखाई पड़ रहा है कि इसका हर जो है वो दो गुणनखंडों का गुणनफल है, इसलिए इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समाकल्य को आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर, ये इस तरीके से हमने लिख दिया। इसका गुणा करेंगे तो 1 बराबर इसको भी लिखा है तो a प्लस होना चाहिए, यानी a बटे 1 प्लस t प्लस b बटे 2 प्लस टी। अब इसका गुणा करेंगे हर का, तो यहाँ a इंटू 2 प्लस टी आएगा, क्योंकि 1 प्लस टी तो इससे कट जाएगा, अभी यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस b और 1 प्लस टी। एक एक गुणनखंड को 0, इसको 0 रखेंगे, यानी 1 प्लस टी बराबर 0, दिस इंप्लाइज दैट टी बराबर माइनस 1। रखने पर तो 1 बराबर आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, t की जगह माइनस में रखेंगे, टू माइनस 1, t की जगह माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि a 1 2 माइनस 1 1 इंटू ए बराबर 1 आ गया यहाँ पर। ऐसे ही 2 प्लस टी बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ टी बराबर माइनस 2। रखने पर 1 बराबर, देखिए अब की बार ये 0 हो जाएगा और इसको करेंगे, अब देखिए माइनस बना रहा है तो 1 बराबर माइनस भी, इसका मतलब माइनस, इसका मतलब ये हुआ बी बराबर माइनस 1। आंशिक भिन्न को ऐसे लिखते हैं, अतः डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं हम, आई बराबर हमारा आ जाएगा, ए का मान लिखेंगे 1 बटे 1 प्लस टी, बी का मान माइनस में सीधा लिख दिया 2 प्लस टी और डी टी, ये लॉग में आ जाएगा, यानी लॉग 1 प्लस टी, और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आएगा, छोड़ देते हैं, इसका करेंगे वो भी 1 आएगा, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे प्लस सी, यानी लॉग 1 प्लस टी, टी की वैल्यू भी साथ ही साथ लिखेंगे, बटे 2 प्लस टी की वैल्यू और आगे प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया है। थोड़ा शॉर्ट करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे सवाल एक जैसे ही हैं।